अब है कि जब आप इनर्ट गैस डालते हो, ठीक है, किसी सिस्टम में, तो वो सिस्टम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, बैकवर्ड शिफ्ट होता है, वो देखते हैं। तो मैं पहले आपको इसकी थोड़ी हल्की सी थ्योरी बताता हूँ कैसे है। सिंपल रिएक्शन देखो, मान लो PCl5 गैस, ये डिसोसिएट होगा PCl3 गैस और Cl2 गैस में, ये डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये मान लो कंटेनर है, ठीक है, इसमें एक हम पिस्टन भी लगा देते हैं, चलो दो केस लेंगे, दो, एक में पूरा डब्बा बंद है, कोई पिस्टन विस्टन नहीं है, सेम ही है दोनों में, PCl5 और PCl3 और Cl2 का इक्विलिब्रियम है, दोनों में ही है, ठीक है ना। अब मान लो मैंने पहले इस केस में मैंने इसमें हीलियम डाल दिया। अब हीलियम क्या है, इन तीनों के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, ना तो इसके साथ करे, ना इसके साथ करे, ना इसके साथ करे। अब इसका केपी क्या है, केपी है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ PCl3 और Cl2 पे। देखो PV इज इक्वल टू nRT होता है ना, P क्या है, n अपॉन V इंटू RT, नहीं मतलब C इंटू RT, कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT, P इज इक्वल टू CRT होता है ना। अब प्रेशर ऑफ Cl2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ Cl2 अपॉन RT। वॉल्यूम तो जितना कंटेनर का वॉल्यूम है वही रहेगा ना, क्या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चेंज हो रहा है इस केस में, नहीं हो रहा। जब आपने हीलियम डाली, हीलियम ने किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl2 भी चेंज नहीं हुए, है ना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये तीनों प्रेशर चेंज नहीं हुए जब आपने हीलियम डाली, ना तो ये चेंज हुआ, ना ये चेंज हुआ, ना ये चेंज, कुछ नहीं चेंज हुआ, तो केपी क्यों चेंज होगा, केपी तो वैसे भी चेंज नहीं होता, अगर ये चेंज हो भी जाते तो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट ही नहीं हुआ कुछ, ना तो फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि गैस डालने से इसको तो पता ही नहीं चला कुछ। यार देखो आइडियल गैस क्या होती है, उसमें गैस बहुत सारी स्पेस अवेलेबल होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम तो निग्लिजिबल ही होता है गैस का, कंटेनर के रिस्पेक्ट में। आप दो चार मॉलिक्यूल हीलियम के डाल भी दोगे, बाकी मॉलिक्यूल क्या क्या पता चलेगा कुछ हुआ नहीं। मान लो बहुत सारी जगह है रूम में, और हम यही कहते हैं ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि आइडियल गैस का वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस निग्लिजिबल होती हैं। तो जब है ही निग्लिजिबल हो, आप उसमें इनर्ट गैस डाल भी दोगे, उसका इफेक्ट निग्लिजिबल ही होगा ना, क्योंकि ना तो वो मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो होने से उसके ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसलिए इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आ गई बात। इसमें ना एक क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स ऐसे कि सर देखो कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन, मतलब प्रेशर ऑफ Cl2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इंटू टोटल प्रेशर, ये होता नहीं होता, ये हमने पढ़ा है डाल्टन्स लॉ में। तो जब मैंने यहाँ पे हीलियम गैस डाल दी, तो हीलियम गैस का भी कुछ तो प्रेशर होगा, और ये प्रेशर तो चेंज हुए नहीं, तो टोटल प्रेशर तो बढ़ जाएगा, तो अगर टोटल प्रेशर बढ़ गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 क्या होता है, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2, तो टोटल प्रेशर तो बढ़ गया, तो Cl2 का प्रेशर बढ़ना चाहिए, ठीक है ये लॉजिक मानते हैं कि टोटल प्रेशर बढ़ गया तो Cl2 का प्रेशर बढ़ना चाहिए। पर आप ये भी देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 भी तो कम हो गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल तो बड़े ही हैं, पहले मोल किस किसके थे, PCl5 Cl2 और PCl3 के, अब टोटल मोल किसके हैं, हीलियम के भी ऐड करने पड़ेंगे आपको, तो मोल फ्रैक्शन कम हुआ है, ये बढ़ गया ये कम हो गया, टोटल इनका प्रोडक्ट सेम रहता है। समझ में आई बात, ये इतना इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि कॉमन क्वेश्चन होते हैं इसलिए मैंने बता दिया, ये बात को समझ गए ना आप। इनर्ट गैस अगर आप डालते हो, आपने वॉल्यूम नहीं चेंज किया वेसल का, इन एडिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ये बात लिख लो एक लाइन में लिख लो, एडिंग इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा अब प्रेशर, अब क्या है ना, एक केस होता है एडिंग ई वाला, हमने केस किया जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया ही था, सेम ही रिएक्शन है, ये पिस्टन ना
मूव करने के लिए फ्री है ये वाला, इसमें वही PCl3, PCl5 और Cl2, ये गैसेस हैं। तो ये गैसेस इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 1 atm। तो इंटरनल प्रेशर भी कितना होगा, क्योंकि पिस्टन तो मूव कर नहीं रहा, तो इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर सेम है, 1 atm ही है, ठीक है। अब मैंने इसमें डाल दी हीलियम, अब हीलियम डाल दी, हीलियम का कुछ प्रेशर होगा तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, बाहर कम है, तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर मूव करेगा नहीं करेगा, करेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक अंदर का प्रेशर 1 atm नहीं हो जाता। तो मतलब कहने का मतलब है, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, आपने हीलियम गैस ऐड करी, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया। इसको कहते हैं एडिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। टोटल प्रेशर कांस्टेंट रहा, टोटल प्रेशर पहले भी 1 atm था, अभी भी 1 atm ही है, ठीक है ना। क्या अब इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा? आंसर यस होगा, क्योंकि आपने वॉल्यूम चेंज किया है। नहीं, देखो Kp क्या है, प्रेशर ऑफ Cl2 इंटू प्रेशर ऑफ PCl3 अपॉन प्रेशर ऑफ PCl5, यही है ना। अगर आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया तो क्या इन सबका प्रेशर चेंज नहीं हो जाएगा? हो जाएगा चेंज। अगर चेंज होगा तो फिर Kp तो नहीं चेंज होगा, पर इक्विलिब्रियम आगे पीछे शिफ्ट होगा, ठीक है। अब ये वही केस हो जाएगा जब वॉल्यूम बढ़ाने वाला केस था। आपने इनर्ट गैस डाली या नहीं डाली उसको भूल जाओ, क्योंकि इनर्ट गैस सिस्टम को तो अफेक्ट नहीं करती, इनर्ट गैस ने वॉल्यूम को अफेक्ट किया, उसका असर सिस्टम पे पड़ेगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम को कम कर, वॉल्यूम को बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर कम होता है, कॉम्पोनेंट्स का प्रेशर तो कम होता है ना, टोटल प्रेशर सेम रहा पर कॉम्पोनेंट्स का प्रेशर तो कम हो गया ना। अब प्रेशर कम होने का इफेक्ट क्या होता है सिस्टम पे, कॉम्पोनेंट्स का प्रेशर अगर कम हो जाए तो सिस्टम क्या बोलता है, प्रेशर को बढ़ाओ, तो फिर सिस्टम कहाँ शिफ्ट हो जाता है, उस डायरेक्शन में जिस तरफ प्रेशर बढ़ सके, मतलब नंबर ऑफ गैसेस मोल्स बढ़ सके, इंक्रीज हो सके, तो इसमें फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा अच्छा वो। समझ में आई बात? ये हम केस पहले कर चुके हैं, इंक्रीज ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर वाला, वही केस लग जाएगा। तो क्या आएगा, इफ इनर्ट गैस इज एडेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नहीं, सिस्टम लिख लो, सिस्टम शिफ्ट इन ए डायरेक्शन, वो प्रेशर बढ़ाना चाहेगा ना, क्योंकि कंपोनेंट्स का प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर बढ़ाएगा कैसे, सिस्टम शिफ्ट इन ए डायरेक्शन टूवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। समझ में आ गई बात, टूवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स वो शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है। ये है, दो है, कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आप ऐड करते हो तो नो इफेक्ट, कांस्टेंट प्रेशर पे करते हो तो शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, क्लियर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑन एडिशन ऑफ आर्गन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको ये तीन रिएक्शंस दी हुई हैं, इन तीनों में आपने आर्गन इंसर्ट कर दिया, आर्गन एक इनर्ट गैस है, मतलब इन तीनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करती, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंसर्ट कर रहे हो, तो क्या कोई असर पड़ेगा इन तीनों पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो इंसर्ट, कोई असर नहीं पड़ेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे करोगे तो फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एडिशन ऑफ हीलियम एट इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस डिसोसिएशन ऑफ PCl5। देखते हैं क्या है, ये PCl5 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, इस बार आपने कांस्टेंट प्रेशर पे इंसर्ट करी है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा है, क्या कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इंसर्ट करोगे तो मतलब क्या वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, नहीं, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा मतलब कंपोनेंट्स का प्रेशर तो कम हो गया, कंपोनेंट्स का प्रेशर अगर कम होगा सिस्टम क्या चाहेगा, बढ़ाओ प्रेशर, तो बढ़ेगा कैसे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, इस केस में फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, इस केस में फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो मतलब डिसोसिएशन ऑफ PCl5 बढ़ी गई ना, सही है बात, असर्शन तो सही है, बढ़ गई। रीजन क्या दे रहा है, हीलियम रिमूव्स Cl2 फ्रॉम फील्ड ऑफ एक्शन, क्या हीलियम Cl2 को रिमूव कर रहा है, नहीं ये गलत है,
हीलियम तो कुछ करता ही नहीं है, रीजन इज रॉन्ग। नहीं तो यहाँ पे देखो कैसे समझाया हुआ है, वैसे तो 3 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देखो एक और अलग तरीके समझाया है, क्यूसी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू Cl2 अपॉन PCl5। जैसे आपने कांस्टेंट प्रेशर पे इंसर्ट किया, फिर से बताता हूँ, ये कंटेनर है, इसमें गैसेस हैं, आपने गैसेस कौन कौन सी, PCl3 Cl2 और PCl5, ये गैसेस हैं। आपने हीलियम कांस्टेंट प्रेशर पे इंसर्ट करा, तो ऑफ कोर्स अगर कांस्टेंट प्रेशर रखना, हीलियम ऐड करो तो वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। नहीं, वॉल्यूम बढ़ गया तो ये कॉन्सेंट्रेशन सबकी कम हो गई ना, कॉन्सेंट्रेशन तो ऊपर ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कम हुई है क्योंकि दो थे, नीचे कम कम हुई है क्योंकि एक था, तो ज्यादा इफेक्ट कम होने का ऊपर है, तो क्यूसी क्या हो जाएगा, केसी से कम हो जाएगा। अगर क्यूसी केसी से कम होता तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती है। ऐसे भी देख सकते हो आप, क्यूसी केसी से भी देख सकते हो आप, ली चैटर प्रिंसिपल से भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो 3 इज द करेक्ट आंसर।